हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शैलेश शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज जो मेरा बेसिकली वीडियो है, आपको थोड़ा देख सकते हैं कि जो मेरा पुराना हैंड गार्ड है वो बहुत प्यारे थे, मैंने काफ़ी टाइम तक इसको यूज किया है, ये मैंने लगा रखे हैं। तो अब मैं इसे चेंज करने वाला हूँ और मेरे पास एक दूसरे टाइप के हैंड गार्ड है जो मैंने कई कस्टमर्स को सेल भी किया है। तो मैंने सोचा है कि अब मेरे बाइक में लगा के मैं एक बार ट्राई करूँ, तो उसी के रिगार्डिंग पूरा वीडियो है। तो आप देख सकते हैं जो ये वाला हैंड गार्ड है जिसे हम लोग लगाएंगे, ये बहुत ही प्यारा लुक देता है, बहुत अच्छा है और यहाँ पे ये ऐसे लग जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग पूरा वीडियो है और इस वीडियो में इसको खोल के इसे हम इंस्टॉल करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और मैं इसका कंप्लीट आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे इसे लगाते हैं। जो ये किट आएगा आपको, वो ये पैकेजिंग में आता है पूरा कंप्लीट, इसमें आपको पेयर मिल जाएगा, ये तो हैंड गार्ड का पेयर मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं, इसमें एल्युमिनियम रॉड आता है जो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और ये लुक को इन्हेंस करने के लिए आगे प्लास्टिक बॉडी का ये कवर मिलता है आपको जो लुक को बहुत इन्हेंस करता है। इसमें वॉक बस्टर्स लिखे रहते हैं और ये एल्युमिनियम की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स में, मतलब छोटे मोटे एक्सीडेंट्स में आपके लीवर को और आपके हैंड को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। ये वाला जो हैंड गार्ड था ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये थोड़ा सा इसके कंपेयर में कमज़ोर है। तो इस बार मैं ये लगा के देखता हूँ कि इसके लगाने पर सेफ्टी कितनी इंप्रूव होती है। तो इसके साथ आपको ये पेयर इसके हैंड गार्ड मिल जाएगा और एक साथ में किट आएगा, इसमें सारी चीज़ें, सारा जो अभी आपको नीड है इसे इंस्टॉल करने के लिए वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके लिए बस आपको एलंकी और कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद आप खुद भी लगा सकते हैं और कैसे लगेगा वो भी मैं आपको पूरे वीडियो में डिटेल में बता देता हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो हमने पुराने वाले हैंड गार्ड्स को कम्प्लीटली खोल लिया है, हमने ये जो मिरर्स हैं हमारे उसको भी खोल के साइड में रख दिया है अभी, और यहाँ पे जो नट लगता है, इस जो क्लैम्प्स आता है इसकी, उसको भी हमने अभी खोल लिया है। क्योंकि जो पुराने टाइप वाले जो ये वाले जो हैंड गार्ड थे, इन्हें लगाने के लिए आपको मिरर्स और ये दोनों खोलना पड़ता है, तो हमने अभी खोल लिया है। अब इसे वन बाई वन करके हमारा नया वाला हैंड गार्ड लगाएंगे। तो ये इसके क्लैम्प्स के जो पैकेट्स आते हैं उनमें ये चीज़ें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी दोनों तरह की, देख रहे होंगे। तो ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, तो आपको पूरी टूल किट चाहिए होगी। और सबसे पहले इस क्लैंप को आपको, ये दोनों क्लैंप लेके मैं आपको, ये ग्रिपिंग के लिए प्लास्टिक का बासर मिल जाएगा, इसे अच्छे से दोनों जगह फिट कर लें सबसे पहले तैयार करने के लिए। देखिए दोनों में लगा लिया हमने, अब इसे यहाँ पे इंस्टॉल करके नट को लगा लें। तो इस वाले पार्ट को माउंट में डाल के और यहाँ पे स्क्रू से पहले टाइट कर लें, और ध्यान रखें कोई भी फिटिंग को कम्प्लीटली टाइट नहीं करें, स्टार्टिंग में थोड़ा ढीला रखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद जब फिटिंग प्रॉपर आ जाए उसके बाद इसको टाइट कर लें। देखिए हम लोग यहाँ पे इसको ढीला अभी सेट कर लिया है और यहाँ भी इसको ढीली से टाइट कर लिया है। तो पहले हम लोग इसे नट को आगे की तरफ से टाइट कर रहे थे जो कि गलत था स्टेप, तो आप भी ध्यान रखें इसे सही डायरेक्शन में इधर आउटर फॉर्म में लगाएं, क्योंकि इस वाले पार्ट में चूड़ियां नहीं आती है जो नट टाइट करने के लिए, इसमें आती है। तो आप इधर से लगाएंगे तो इसके आउटर में नहीं होगा, तो आपको टाइट नहीं होगा नट। तो ज़रूर ध्यान रखें इस आउटर फेज की तरफ से इसे लगाएँ। वो लगाने के बाद आप, मतलब इसकी फिर धीरे धीरे सबकी फिटिंग्स टाइट कर लें और इसे एडजस्ट कर लें अपने क्लच बार के अकॉर्डिंग। जो क्लच लीवर है उसको अकॉर्डिंग देख के इसे एडजस्ट कर ले।
तो देख रहे हैं आराम से प्रोटेक्ट हो रहा है और ये टकरा भी नहीं रहा है, किसी साइड से टकराता नहीं है। तो ये देख रहे हैं आपको अभी से ही इसकी झलक मिलने लगी हुई कि लगने के बाद ये कैसा लगता है। व्हाइट कलर में बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी। तो अगर आप लोग इसके दो तीन कलर आते हैं वेरिएंट, ये ब्लैक में भी आता है, रेड में आता है और ये व्हाइट में आता है, ये तीन कलर में अवेलेबल है हमारे पास। अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं ये हमसे। तो देखें हम जो एक लैंप लिए हैं, हमने सबसे पहले इसके जो बड़ा नट आता है उसे हमने डाल के फिट कर लिया है और अब इसे हम सेकंड साइड है उसको भी लगाना शुरू करते हैं। सेम तरीके से वन बाय वन जैसे हमने इधर लगाया है वैसे ही हम राइट साइड में भी लगा लेते हैं। ये जो ग्रिप है इसको ज़रूर ध्यान रखें, ये भी आपके किट में आता है। तो अगर ये किट में हो, कुछ जो प्रोडक्ट आता है उसमें नहीं होता है और कुछ में अवेलेबल होता है, अगर हो आपके किट में तो आप इसे ज़रूर यूज करें, इससे आपकी ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है, आपके हैंडल बार की हैंड गार्ड की ग्रिपिंग अच्छी हो जाएगी। वैसे ही सिमिलर तरीके से हमने इसे इंस्टॉल कर लिया है और ये हमारा सेट हो चुका है। अब इसे भी हम धीरे धीरे सारी फिटिंग्स को टाइट कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो हैंड गार्ड है ये बागबस्टर्स वाले, ये कम्प्लीटली फिट हो जाएंगे और उसके बाद मैं आपको लुक दिखाऊंगा कि बाइक का कैसा लुक आ रहा है इसे लगने के बाद। देखिए हमने इसे कम्प्लीट फिटिंग कर दी है और कोई भी दिक्कत नहीं आई, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़े से कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसे वन बाय वन लगाएं और किसी भी पार्ट्स को कम्प्लीटली टाइट मत करें, स्टेप बाय स्टेप टाइट करें, जब ये पूरा फिट हो जाए तभी टाइट करें। तो देख सकते हैं आप सामने से काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है बाइक का, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और ये प्रोटेक्शन के नज़रिए से भी काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि जो इसका बार है वो एल्युमिनियम बार है और काफ़ी मजबूत है और बहुत अच्छे क्वालिटी का है, तो ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, देख सकते हैं आप। और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम फील है, बागबस्टर्ड का है, काफ़ी अच्छे हैं ये हैंड गार्ड्स। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और कैसे लगे मेरे न्यू हैंड गार्ड्स आपको, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।